Welcome back. My name is C.S. Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as Corporate Funding and Listing in Stock Exchange. And today we are here in Chapter 3 which is called as the Infrastructure Investment Trust. We are talking about this. So for sure, this is the part number 1. Today we are starting this chapter. इससे पहले दो चैप्टर्स यानी चैप्टर 1 इंडियन इक्विटी और इससे ही सिमिलर चैप्टर था जिसका नाम REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था. चैप्टर नंबर 2 वो हमने डिस्कस किया और आज उसके बाद हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं. देखिए हमेशा की तरह आप जैसा कि जानते हैं इससे पहले मैं कहीं डिटेल में जाने की कोशिश करूं और आपको समझाऊं कि किस तरीके से यहां पे क्या चीजें लिखी हुई हैं और नॉर्मली आगे बढ़े हम. मैं हमेशा की तरह एक बार आपको एक जस्ट समझाना चाहूंगा कि इस चैप्टर में है क्या-क्या चीजें और किन चीजों का हमें ख्याल रखना है जब हम इस चैप्टर को समझें. मैं ये रिकमेंड करता हूं स्पेशली थर्ड चैप्टर के लिए कि आप थर्ड चैप्टर तभी देखें क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं. अभी तो आप जानते हैं सारे सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशन के पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ना बीइंग टीचिंग. जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके तौर पर बात कर रहा हूं. आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 8.5 years. अगर मैं 9 ना बोलूं तो 8.5 तो मैं कह ही सकता हूं. तो बहुत बार ये देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यार कौन सा टॉपिक सबसे छोटा है, चलो चैप्टर 3 जो है वो सबसे छोटा है एज एन एग्जांपल, तो वो चैप्टर 2 के पहले चैप्टर 3 कर लेते हैं. तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, पहले चैप्टर 2 ही देखिए बिकॉज़ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के बीच में ना ही लिंकेज है बट मैं ऐसे कहूंगा काफी चीजें सिमिलर हैं. अगर आपने चैप्टर 2 का जो मैकेनिज्म है उसको समझ लिया तो मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर 3 के मैकेनिज्म को समझने में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आएगी. बहुत ही मिलते-जुलते चैप्टर्स हैं. ये भी बताना चाहता हूं कि दोनों के लिए चाहे REIT हो या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो, दोनों की ही गाइडलाइंस काफी नई हैं इन द सेंस कि एज कंपेयर टू द अदर गाइडलाइंस दैट वी हैव फॉर IPO एंड FPO फॉर द नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, उससे गाइडलाइंस काफी नई हैं. 2019 के आसपास इनको इशू किया गया है, पहले भी थी 2014 के आसपास भी थी पर सेबी ने ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि इन चीजों को हमें प्रमोट करना है. क्योंकि आप ही देखिए आज बहुत बार हम बात करते हैं कि सीएस का रोल क्या है, सीएस क्या-क्या करता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये गिनाता है कि सीएस इस बारे में भी नॉलेज जो है अपनी कंसर्न में भी ये कह सकते हैं जो आउटसाइडर्स हैं जो अपने क्लाइंट्स हैं उसको कभी REIT के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बताता होगा बिकॉज़ ऑफ द रीजन कि नॉलेज इसको इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कम है. IPO या FPO राइट इशू बोनस ये सब चीजें ऐसी हैं जो शायद आप एग्जीक्यूटिव से पढ़ते आए हैं और काफी उसके बारे में जानते भी होंगे बट ये चीजें ऐसी हैं जो आपको दूसरों से काफी अलग बना देगी, जो दूसरे एक ट्रेडिशनल सोच लेके चल रहे हैं उससे काफी आप अलग लगने लगेंगे. तो देखिए अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर आ जाऊं अब तो इट सेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो हमें यहां पे ये तो समझ में आ ही रहा है कि तीन चीजें हैं यहां पे, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है ट्रस्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप सुनते हैं सबसे पहले तो आपके माइंड में शायद मे बी रोड्स आ सकती हैं, आपके माइंड में टेलीकम्युनिकेशन आ सकता है, ब्रिज आ सकते हैं, फ्लाईओवर आ सकते हैं, एनीथिंग दैट एक्चुअली गिव्स यू अ बेटर कनेक्टिविटी काइंड ऑफ इन वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. इवन ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको बेटर बनाना इट्स पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि रोड्स ही अगर नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रेलवे लाइंस ही नहीं है तो एक से दूसरी जगह सामान नहीं पहुंच सकता या यूं कह दीजिए उसको ज्यादा समय लगता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होगा तो आई सपोज जो चीजें हैं वो ना ही इजी हो जाएंगी करनी बट उसको शायद कॉस्ट के तौर पे भी हम देखेंगे तो उसमें काफी कमी आएगी. पर कोई भी चीज जिन चीजों के मैंने नाम लिया, आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं आपको ट्रैवल करते हुए शायद अच्छा लगता होगा, जहां पे भी आप रहते हैं कोई हाईवे पे आपने कभी भी ट्रैवल किया हो चाहे बस से ही आप ट्रैवल कर रहे हैं चाहे अपनी कार से कर रहे हैं, रियलाइज करते हैं कि हाईवे की जो स्पीड है वो काफी अलग रहती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिटी ट्रैवल. क्यों? क्योंकि वहां पे रोड्स बहुत ज्यादा बड़ी विड्थ में होती है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ, और जनरली वो जो रोड्स होती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल है या एज सच कुछ नहीं होता, साफ रोड्स रहती हैं एकदम. तो अगर आप ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करेंगे तो अच्छी ड्राइव वहां पे हो सकती है. आपको क्या लगता है जब ये हाईवे बनाया गया होगा, टोल पे करते हैं ना, तो जब हाईवे बनाया गया होगा तो आपको क्या लगता है ये ऐसे ही बन गया होगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई होगी?
इन्वेस्टमेंट की भी बात अगर आप अग्री करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट आई होगी, 100 करोड़, 500 करोड़? नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। आजकल तो जो हाईवेज है वो 16 लेन हाईवेज होते हैं, 16 भी होते हैं, बहुत जगह 12 होते हैं, 8 होते हैं, 4, अगर 16 कह रहा हूँ तो 8 इधर और 8 इधर, यानी 8 पार्ट्स होते हैं एक तरफ जाने के और दूसरी तरफ जो रोड है उसके 8 पार्ट्स हैं वापस डायरेक्शन में जाने के लिए। इतने बड़े बड़े हाईवेज आजकल बन रहे हैं, NH सुना होगा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। अब ट्रस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो यूनिट होल्डर है वो ज्यादा सेफ फील करेगा। मैंने शायद पहले चैप्टर 2 में भी बताया, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, जो रियल एस्टेट है, घर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल चीजें, यहाँ पे चैप्टर 3 में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म रहेगा, वही पार्टीज का नाम, जनरली स्पॉन्सर्स, ट्रस्टी, याद है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरली यही पार्टीज रहेंगी, SPV। तो बहुत रिलेशन है इसका स्ट्रॉन्ग चैप्टर नंबर 2 से, कुछ जगह अलग है बट डेफिनेटली काफी लिंक करता है। तो ट्रस्ट बनाने की बात होगी जहाँ पे स्पॉन्सर्स इनिशियली पैसा लगाएंगे। स्पॉन्सर्स को हमने, आप जानते हैं कि ट्रस्ट में जनरली, अगर आपने मेरी ड्राफ्टिंग की क्लास देखी होगी या इवन जनरल तौर पे भी, ट्रस्ट जनरली हैज 3 पार्टीज। कौन कौन सी? सबसे पहला इज कॉल्ड एज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ऑथर वो है जो ट्रस्ट बनाता है। बहुत बार इसको ऑथर कह देते हैं तो बहुत बुक्स में इसको सेटलर भी कह देते हैं। देन कम्स द ट्रस्टी। ट्रस्टी फॉर श्योर हम जानते हैं वो नाम है जिसकी पहचान इस बात से है कि वो जो बेनिफिशियरीज हैं, जो थर्ड पार्टी होगी, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करेगा, यानी काइंड ऑफ इन डे टू डे मैनेजमेंट करेगा। थर्ड इज फॉर श्योर दोज पीपल जिनके फायदे के लिए जो ट्रस्ट का पूरा मैकेनिज्म है ये बनाया जाता है। तो यही रियलाइज करेंगे कि कैसे कैसे जो एक कंसेप्ट है वो डिवेलप हुआ। और ओवर द टाइम पीरियड जब आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने तो बड़ा जनरली बता दिया, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट की कोई डेफिनेशन है, या हम किसी भी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर मान सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर बिल्डिंग्स बनाना भी है, और अगर बिल्डिंग बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सवाल फिर ये उठता है कि REIT, और जो अब हम REIT समझ गए ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में फिर फर्क क्या रह गया? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डिंग्स भी तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी बड़े शहर की पहचान, जैसे आप मुंबई जाते हैं, आप में से अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स हैं जो आपने मुझे बताया हुआ है या हमारे स्टाफ को बताया या फॉर्म में फिल किया है कि आप फलाना जगह में रहते हैं, तो जिस जगह में भी रहते हैं जब किसी बड़े मेट्रो शहर में जाते हैं, सो कॉल्ड एज 4 मेट्रो जो है, तो उसकी पहचान शायद इसी से ही होती है कि वहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मतलब बड़ी जगह है, अलग अलग तरीके की वहाँ पे कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़ी बिल्डिंग, बड़ी जगह, बड़ी कंपनीज, ये भी तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो ये एक फाइन डिमार्केशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के परस्पेक्टिव से, ये आप या मैं डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे मैं बात करूंगा और उस तौर पे मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जब इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये नोट्स आप देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पे, मैंने कुछ यहाँ पे पेपर से कटिंग्स वगैरह भी लगाई हैं जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत बार एक कंटेंट लिखा हुआ है तो ठीक है हम पढ़ते हैं और वो एक यूज टू पार्ट हम उसके हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि कॉन्टेंट को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ जिससे कि आपका खुद इंटरेस्ट उस चीज़ में लगे, उस चीज़ को समझने के लिए। तो मेहनत भी लगती है बट इट इज़ ओके, बिकॉज फायदा अगर मिलता है स्टूडेंट को इन सब चीज़ों को देखने से तो अच्छा ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिंक भी पेस्ट कर रखा है, आप ये लिंक कॉपी करके अगर क्रोम पे जाके देखेंगे तो मिनिस्ट्री, ये गैजेट है, आप जानते हैं, नोटिफिकेशन है, तो 100 रुपये आपको मिल जाएगा। कि अभी हम पढ़ेंगे भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तौर पर अप्रूव्ड हैं, वो यहाँ पर लिखी गई है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो बात ये करेंगे कि भाई कितना किसको इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है, और जो बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का यही है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है सो कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स, जैसे REIT में था कि 90% उनको रिटर्न के तौर पर दिया जाए, बाकी जो बचता है वो डे टू डे एक्सपेंसिस में ऑब्वियसली लगेगा, तो ये मेक श्योर करना है कि उनको इतना पैसा दिया जाए। क्योंकि ये समझिए म्यूचुअल फंड में, 2 मिनट के लिए ऐसे समझाऊं, म्यूचुअल फंड ना जाने कितने समय से, मतलब इनसे तो जरूर पुराना कंसेप्ट ही है, REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से तो म्यूचुअल फंड्स पुराना, और तो कहने के लिए टेक्निकली ये भी म्यूचुअल फंड जैसे ही हैं, बट इनका एक स्पेसिफिक सेक्टर डिफाइंड है, जबकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड होते हैं।
तब भी देखिए, मतलब कहने का ये है कि तब भी देखिए गवर्नमेंट जो है वो अभी तक आजकल आपने देखा होगा बहुत बार टीवी में या रेडियो में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है ना। एड्स भी आते हैं कि भाई रातों रात पैसे डबल नहीं होते, म्यूचुअल फंड्स में बने रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह। तो उस चीज को वो आज तक प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज शायद अब कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कुछ होता है। पर ये तो एकदम चीजें ऐसी हैं जहां पे कहना गलत नहीं होगा, हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में देखा कि सेबी ने ही बहुत समय लिया इस मैकेनिज्म को लेके आने के लिए। ना जाने लाने से पहले फाइनली सेबी ने कितनी बार इन गाइडलाइंस को खुद ही अमेंड किया। तो जब रेगुलेटर ही बहुत ज्यादा श्योर नहीं है तो पब्लिक तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट में आना ही नहीं चाहेगी। तो हम ये यहाँ पे समझेंगे कि कौन से लोग हैं जिनसे हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और उनको क्या एश्योरेंस देंगे, फिर क्या मिनिमम अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे कर दूँ, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पहले की जो लिमिट है, जो यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाया, दैट वाज 10 लाख रुपीज इनिशियली INVIT की लिमिट थी, ये इनिशियल थी। पर अब इस लिमिट को घटा के, क्योंकि ठीक है जिसके पास देखिए पैसे हैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। आप मार्केट जाते हैं, आपकी जेब में 9 रुपए हैं, कोई सामान 10 रुपए का है, अगर सामने वाला आपको नहीं जानता तो शायद आपको वो सामान देगा नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन आपके पास सिर्फ 1 रुपया कम है। जबकि घर में आप देखिए बहुत बार ये जो इस तरीके की चेंज होती है वो पड़ी रहती है, बट एक समय की बात है, नीड की बात है। तो जिसके पास है उसके लिए कोई इशू नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके लिए 1 रुपया भी ज्यादा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि पहले ये थोड़ा ज्यादा था, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा लोगों को अट्रैक्ट करना है किसी भी नई चीज के लिए, तो उसका सबसे अच्छा मैकेनिज्म यही है कि वो चीजों को आप थोड़ा सिंपल बनाएं जिससे कि लोग उस तरफ आए। फिर यहाँ पे डायग्राम है, बात करेंगे इसके बारे में, देन वी गोना टॉक अबाउट सेबी की जो गाइडलाइंस आई हैं वो क्या है। मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जो आने की कोशिश कर रहे हैं, दोज इन दी ऑफरिंग कोशिश कर रहे हैं मार्केट में आ सके, उनके बारे में भी यहाँ पे बात लिखी हुई है। ये इश्यू प्राइस है, देखिए आप 100 रुपए का था जब ये आया, जो हमें दिख पा रहा है। करेंट प्राइस जो है जब ये लिया गया है 2019 में तो 83 रुपीज का रह गया है। IRB जो था, अगर ये इंडियन ग्रिड ये वाला है जो एग्जिस्टिंग है, तो जब इशू प्राइस दूसरे का देखें, IRB इन्वेस्टमेंट का जो ये सेकंड दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो जो मैं इसमें मे बी हाईलाइट कर रहा हूँ, 100 रुपए का था। आज की डेट में अगर आप देखें लिखा है डिस्काउंट, सॉरी इशू प्राइस एंड देन करेंट प्राइस, तो करेंट प्राइस जो है वो एक तरीके का मे बी ऑरेंज काइंड ऑफ इन कलर में है, जबकि जो इशू प्राइस है वो ब्लैक कलर में है। तो आप खुद ही देख लीजिए काफी डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अब अगर इतना डाउनफॉल आप आज देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए, ठीक है एग्जामिनेशन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, बट क्या आप किसी को सलाह देंगे या खुद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? शायद आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके की चीजें भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है। एज एंड वेन वी मूव अहेड, कुछ डेफिनेशन हमारे सामने आएंगे, और ये वो डेफिनेशन हैं जो ऑब्वियसली गाइडलाइंस के तौर पर प्रिस्क्राइब करी गई हैं, जिसको मैं समझाऊंगा। मोटी मोटी बात जो आपको ये समझनी है कि जो हमने REIT में, देखिए मैं बार बार ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह सकते हैं अरे सर आप Chapter 3 पढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ा रहे हैं, बार बार Chapter 2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं इसलिए पहले ही, अभी तो कह रहा हूँ अराउंड 13 मिनट्स हो चुके हैं, बट मैंने स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही आपको बोल दिया था कि Chapter 2 से सिमिलर है ना, इस तरीके से बात करी थी। इसलिए ऐसा मैंने कहा था क्योंकि वहां पे भी हमने यही कहा था कि कुछ क्राइटेरिया है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। ठीक है आपने ये जरूर बता दिया, जैसे मैंने ऊपर दिखाया कि एक डेफिनेशन डिफाइंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग कैटेगराइज हो सकता है। कुछ हो सकते हैं जो कंप्लीट हैं, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मिडवे हैं, तो जो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। अगर आप REIT का कंसेप्ट को सोचें 2 मिनट, या चाहें तो उसको एक बार रिकैप के तौर पर देखें, सो यू विल रियलाइज, वहां पर भी हमने ये बात करी थी कि फोकस जो है ज्यादा उन्हीं पे रहेगा जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सो कॉल्ड एज रेवेन्यू शेयरिंग है। उस समय भी हमने ये बात करी थी अगर आपको याद हो, कि एक हाईवे पे आपने पूरी बिल्डिंग बना दी, फ्लैट्स का कल्चर आजकल है ना कि भाई जगह देखो, शहरों में तो बची नहीं है, वो जमाना चला गया। छोटे शहर में हो सकता है हो आज भी और होंगे ही, बट बड़े शहरों में शायद अब वो कम है कि भाई बड़े बड़े घर हैं, लोग रहने वाले कम हैं, अब ऐसा शायद थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब तो जो जगह है शहरों के अंदर वो बची नहीं है, है ना,
जो बाहर है शहरों के, वो एक्वायर करते जा रहे हैं बिल्डर्स, और वहां पे बनाते जा रहे हैं। अब जहां जहां लोग रहते हैं वहां वहां फिर फैसिलिटीज धीरे धीरे आई जाती हैं, ये तो मेरी प्रूवन फैक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आज एक हाईवे पे मैं बिल्डर हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने देखा भाई मैंने कि भाई क्या बिजनेस है, तो देखा किसी ने बताया रियल एस्टेट का, तो कर दिया, मतलब इन शॉर्ट बना दी बिल्डिंग वगैरह, और वहां पे 2-3-4 काइंड ऑफ BHK वगैरह फ्लैट्स बना दी, BHK बोलते हैं आजकल, तो बना दिए ऐसे फ्लैट्स। अब कहने के लिए मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, सब कुछ जो भी अथॉरिटी है जो जिस स्टेट में मैं हूँ, आजकल रेरा का आपने सुना होगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट करके है, तो सब अप्रूवल, मतलब जो जो अप्रूवल चाहिए वो सारे मेरे पास है। पर फिर भी आप मेरे प्रोजेक्ट को रेवेन्यू शेयर अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने उस समय भी कहा था, भले प्रोजेक्ट बना दिया, सारी फैसिलिटीज हैं, सारे सर्टिफिकेट्स हैं, बट सवाल है कि रहने वाले तो वहां पे बहुत ही कम हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पे कोई फैसिलिटीज ही नहीं है अभी। तो अगर आप वहां पे घर खरीद लेते हैं मेरी, जहाँ पे मैंने सोसाइटी बनाई है, और आप रेंट आउट करने की सोचते हैं, खुद बताइए आपका रेंट आउट हो पाएगा मकान, जो सारे मकान खाली हैं, बहुत कोई जिसको कुछ होगा आसपास वो ही लेगा आपका मकान, और वो भी वो प्राइस पे लेगा जो उसको सही लगता है, आपकी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, आपको ये जरूर देख लेना होगा यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया उसके हैं, कि कितने परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करा जाएगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेवेन्यू शेयर बेसिस पे अब काम कर रहा है, यानी उससे प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। उस तौर पे और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बार बार यहाँ पे एक चीज का यूज किया गया, दैट इज PPP। PPP एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और आई सपोज हम जानते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए ये चीज शायद गवर्नमेंट, हर चीज जो है वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा कहेंगे, बट वो करेंगे अपनी पेस से करेंगे, अपनी स्पीड से करेंगे, है ना, जब मौका आएगा, जब समय आएगा, खासकर जब इलेक्शंस आते हैं तो उस तौर पे वो करेंगे, नहीं तो आप अपने आप देखिए ये जनरल प्रोग्राम रहता है। पर PPP आने से क्या है कि एक जो गवर्नमेंट सिस्टम की लेजीनेस है, जनरली हम बहुत बार उसको ब्लेम करते हैं, और जो प्राइवेट सिस्टम की एफिशिएंसी है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और एक ऑप्टिमम बैलेंस आपके सामने लेके आ सकते हैं। तो वो काम जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, तो वो वहां पे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, गवर्नमेंट के पास समय नहीं था, गवर्नमेंट के पास पैसा तो है बट नहीं है अभी, वो कुछ और दूसरे प्रोजेक्ट्स में है। तो दोनों आपस में मिलके कोई पैसा दे रहा है, कोई टाइम और एक तरीके से एफिशिएंसीज है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज PPP, विच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो काफ़ी लेट शुरू हुआ है ये सब, बट ऐसा अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में काफ़ी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे, और आप देखिए इंडिया में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है अभी, बिकॉज एक नया टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें तो 1 ईयर परफॉर्मेंस में मतलब 26% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन बैंक, तो चलिए छोड़ ही दीजिए, वो तो किस कैटेगरी में आते नहीं है, बैंक कहाँ भाई, बैंक 4-5% मुश्किल से। आप कहेंगे सर फलाना ऐड मैंने देखा था वो 6% दे रहे थे, तो आप जरा पढ़ लीजिएगा, कुछ टेस्ट कंडीशंस हैं कि 1 लाख रुपए होना चाहिए बैलेंस, फलाना फलाना, बट ये जो है वो 26% का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं कुछ जगहों पे, और जो कंपनीज ने ये इशू किया है उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं, कैटेगराइज किया है बेस्ट एंड वर्स्ट में। वर्स्ट पे अगर आप चले जाते हैं तब भी बैंक को जनरली आप बीट कर देंगे, ये वर्स्ट है, ये वर्स्ट है, तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए। फिर और चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की क्या डेफिनेशन है, कौन से लोग होते हैं यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसका नाम मैंने कुछ देर पहले आपसे लिया भी, इनको आप ऑथर भी कह सकते हैं, ट्रस्टी आप जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पैसा, और पैसा इन्वेस्ट हो जाने के बाद ये देखना कि जो हुआ है वो सही हुआ है नहीं हुआ है, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि जो स्पॉन्सर है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये कौन बन सकते हैं। तो फॉर श्योर सेबी के साथ तो रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, बट कुछ नेटवर्थ की बात भी करी गई है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई लाखों का काम नहीं हो रहा, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। अब जिसके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो कहाँ से इतनी बड़ी चीज़ों का इंचार्ज हम उसको बना सकते हैं, ट्रस्टी बना सकते हैं, तो ये डेफिनेटली एक बात है। तो इस तौर पे यहाँ पे बात करी गई है, देन वी कम टू दी भाई यूनिट साइज कितना होगा और किस बेसिस पे आगे होगा। अगर आप देखें ना,
तो ये जो यूनिट साइज की टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है, दिस इज सिमिलर टू द चैप्टर नंबर 2, वहां पे भी यही टेबल है। तो वही मैंने आपको कहा कि बहुत सिमिलैरिटी है, अगर कुछ कहीं फर्क है तो जनरली जैसे वहाँ REIT है ऑब्वियसली वो चैप्टर का क्योंकि नाम है, तो यहाँ पे उसकी जगह INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिखा गया है, सो REIT की जगह ये, इतना ही जनरली फर्क है। बाकी जो गाइडलाइंस हैं जो आप इस समय देख भी रहे हैं कि अगर आप पब्लिक इशू के थ्रू लेना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं REIT से, किस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, फिर वेबसाइट पे रखा जाएगा कमेंट्स वगैरह के लिए, उस तौर पे सारी बात जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो आइए, अब मुझे लगता है और भी है वैसे डिटेल, बट आइए मुझे लगता है इतना समझने के लिए काफी था कि इस चैप्टर में है क्या और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो आइए अब डिटेल में बात करनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दिस इज द पार्ट नंबर 1, माय सेल्फ शांतनु भंडारी। तो चलिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रखी है, लिखा है फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सेट टू एंटर मार्केट थैंक्स टू IRB इंफ्रा। सबसे पहले IRB इंफ्रा जो है, अगर आप यहाँ पे भी देखें जो मैंने एक और क्लिपिंग लगाई है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे काफी जो लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, बट ऑब्वियसली वो सबसे पहले था, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा भी है IRB इंफ्रा या वही कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, तो इस तरीके से नाम लिखा हुआ है। और आइए अब देखते हैं कि डिटेल में इस चैप्टर में क्या है। सो वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, व्हिच इज इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड एज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ REIT, ऑब्वियसली जो मैंने बताया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड व्हिच इनेबल्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी from individual investors in infrastructure to earn a small portion of the income as return. So, जैसे हमने पहले बात करी थी, ये भी जैसे REIT एक medium है कुछ return या कुछ फायदा कमाने का, वैसे ही infrastructure investment trust भी है, but दोनों का यूं कह दीजिए जो area of investment है वो definitely differ करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शॉर्ट में मैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थोड़ा लंबा है, तो मैं ये बोल दूंगा जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज हाउ दे हैव एक्चुअली रिटन। सो INVIT, सो INV एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। सो द कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड बाय द स्पॉन्सर, द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ट्रस्टी एंड द बेनिफिशरीज आर द यूनिट होल्डर ऑफ INVIT। ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय द स्पॉन्सर, आप चाहे इसको स्पॉन्सर कहिए, जैसे मैंने आपको बताया आप ये नीचे देखेंगे इनका नाम ऑथर भी है, तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा पूल इन करते हैं पैसे एक आइडिया के साथ आते हैं, फॉर्मेलिटीज के तौर पे सब चीजें देखते हैं वो स्पॉन्सर्स हैं, और जिनके नाम पे जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर, वो जो प्रॉपर्टी होगी वो ओनरशिप और कंट्रोल में होगी ट्रस्टी के, और जो भी उससे रिटर्न आएगा वो सारा का सारा लाइक 90% ऑफ दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी यूनिट होल्डर्स जो कि पैसे लगाएंगे। एंड INVIT कैन ओनली इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंपनी विद एटलीस्ट 90% ऑफ इट्स एसेट कंप्राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड अंडर INVIT। तो जैसे कि मैंने कहा कुछ देर पहले, स्पेसिफिक यहाँ पे हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं दैट इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, और या फिर या तो मतलब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे या उन कंपनीज में करेंगे जिनके 90% ऑफ द एसेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया से रिलेटेड है। जरूरी ये है समझना, मुझे लगता है ये नीचे अभी दो पैराग्राफ के बाद है भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्चुअली मतलब है क्या। तो लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ द रेगुलेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स सब सेक्टर स्पेसिफाइड इन हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेटेड 9 September 16 इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि इस हाइपरलिंक के थ्रू अवेलेबल है, और ये जो लिंक है लेजिमिनेट है लाइक सही है, बिकॉज ऑफ द रीजन ये गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं डोमेन नेम है ई गैजेट, जिसके बारे में बहुत बार सुनते हैं कंपनीज एक्ट वगैरह में कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा उस दिन से ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये उसी तौर पर, और जनरल आइडिया देने के लिए आप इस पे देख ही सकते हैं, बट जनरल आइडिया देने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आएंगी, रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सर्टन कैटेगरीज ऑफ होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, ये अपने होते हैं ना अपने सोसाइटी में या जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास कन्वेंशनल सेंटर होते हैं,
तो ये भी उसी का पार्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क्स या वो सारी की सारी चीजें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का पार्ट बनती है। आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि रहने के जो घर होंगे वो इसका पार्ट है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट गोज इनटू REIT, है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जैसे कि काफी सारे एग्जांपल्स हैं, एयरपोर्ट से लेके रोड्स, मेट्रोज, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं, जो ट्रांसमिशन का आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो वायर्स हैं, पोल्स लगाए जाते हैं, ऑल दैट, वो सारी की सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनती हैं। और इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये जो लिस्ट है ये अपने आप में एक ऐसी है जो समय और सिचुएशन के बेसिस पर अमेंड करी जा सकती है। एक कई लोगों ने इसको ये भी नाम दे दिया कि जब से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आए हैं इनका सबसे बड़ा फायदा बैंक्स को हुआ है, क्योंकि जो पैसे रोड्स बनाने में या टेली कम्युनिकेशन में, मेट्रो में, या जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में बनाने में लगते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे और हम बैंक जाते, वो एक तरीके से अब लोग कम हो गए हैं जाना, और बैंक्स के ऊपर जो प्रेशर था इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी हद तक, मैं ये तो नहीं कहता कि जीरो हो गया है, बट डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, बिकॉज एक नया चैनल ऑप्टिमाइजेशन का खोला गया है जहां से आप डेफिनेटली पैसे रेस करके स्पेसिफिक इन कामों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आप, इन स्पेसिफिक नीड्स, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। सो ऑब्वियसली मींस बैंक का वर्कलोड थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट गेट्स अ कैश लाइन। रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे REIT की बात भी करी जा रही है, और कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, दोनों का ही अमाउंट लिखा है। याद रखें कि पहले 10 लाख की लिमिट थी, अभी उन्होंने इसको घटा के 1 लाख रुपए कर दिया है, जस्ट टू मेक श्योर कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे लिखा भी भाई, इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन द यूनिट्स ऑफ REIT या INVIT ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और कितना इन दोनों चीजों से हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, तो ये है कि अगर REIT की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपीस का पोटेंशियल रखता है, जबकि ये 61 लाख करोड़ रुपीस का पोटेंशियल रखता है। अगर ऐसा है इसको लाने का तो ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द बैंकिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया, मेकिंग फ्रेश इक्विटी अवेलेबल फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू INVT। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू मीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 65 लाख करोड़। मतलब ये मेरे जैसे आम इंसान के लिए शायद लिखना ही मुश्किल है कि 65 लाख और उसके बाद वो करोड़ है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट चाहिए। और ये एक एक जस्ट उन्होंने बताया है, एक्चुअली जब रोड्स वगैरह, हाईवेज बनते हैं तो आप देखते भी न्यूज़ में सुनते हैं बहुत बार कि फलाना लाख करोड़ रुपए का टेंडर पास किया गया है इस चीज़ों के लिए। सो दैट कॉस्ट रियली अ बिग अमाउंट। तो खैर, इन सब चीज़ों की आने से, इन ऑप्शंस के आने से डेफिनेटली बैंकिंग में प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। How does it benefit the investors? There are certain rules that INVT issuers have to follow to safeguard the investor. The sponsor has to hold a minimum of 15% within a lock-in period of 3 years. INVIT distribute 90% of the net cash flow to the investors. जो हमने even INVIT क्या REIT भी इसी basis पे काम करता है कि 90% जो भी वो generate करता है वो distribute करता है, और बाकी 10% for sure जो उनके expenses हैं उसके अंदर चला जाता है। At last, the trustee is required to invest a minimum 80% in revenue generating infra. याद है अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं सकता। आपने कभी ये देखा है क्या, जैसे आप, मैं कुछ देर पहले एग्जाम्पल भी ले रहा था, जैसे हम किसी रोड पे, हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, टोल आता है वहाँ पे, टोल आपको पता है ना, वहाँ पे हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि भाई कितना होगा, वो डिपेंड, हर टोल का अपना अपना हिसाब होता है, और वो एक्चुअली हिसाब इस बेसिस पे होता है कि जो इस हाईवे को बनाने की कॉस्ट है वो कितनी आई है। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करती हैं, बनाती हैं, चाहे PPP मोड के थ्रू बनाए या गवर्नमेंट के असिस्टेंस के थ्रू बनाए, वो टोल कलेक्ट करती हैं टू रिकवर देयर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बना दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल LNT का नाम सुना, लर्सन एंड टर्बो, या जो और बड़ी बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन्होंने बना दिया और गवर्नमेंट ने उनके पैसे दे दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पैसा उनको दिया वो लोगों से रिकवर करेगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो टैक्स, या यूं कह दीजिए कि टोल वगैरह, अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं इसके, तो रिकवर करना स्टार्ट करेगी। बट कोई स्टेज तो आएगी ना ऐसी, मैं बोलता हूँ 10 साल 20 साल 30 साल, जब पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा तो कोर्ट के डायरेक्शन है, फिर आप टोल नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि जब पूरा पैसा रिकवर हो गया तो फिर क्या, फिर दोबारा कभी ऐसा होता है तब दोबारा टोल स्टार्ट करने के प्रोविजन है। बट आप ऐसे हर बार, ये नहीं कि बस एक बार आपने टोल स्टार्ट कर लिया तो आप हमेशा रिकवरी करते जाएंगे, पर लोग बहुत बार आवाज नहीं उठाते तो ठीक है, चल रहा है तो चलने देते। तो उन्होंने यहाँ पे यही कह दिया कि ट्रस्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक एक तरीके से पैसा यहाँ पे आ रहा है
वो उसका मेजॉरिटी यानी 80% जो है वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे इन्वेस्ट हो जो आज हम पैसे लगाएं तो कल हमें रिटर्न आना शुरू हो जाए। क्योंकि आप देखिए, आप एयरपोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कि आपने एयरपोर्ट सुनने में ईजी लगता है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, है ना। तो जब एयरपोर्ट आप बनाते हैं तो आप देखिए, बहुत इनिशियली एयरपोर्ट जब बनते हैं तो उसमें बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स होती हैं। अब जितनी फ्लाइट्स वहां से आएंगी जाएंगी उतने ही लोग वहां पे होंगे। अब बहुत सारी डेस्टिनेशन की फ्लाइट्स ही नहीं है तो वो पैसेंजर वहां पे आएंगे ही नहीं शायद, है ना। पता है कि यहाँ तो ये फ्लाइट मिलती ही नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा होता जाएगा, रिकग्नाइज होता जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा फ्लाइट्स वहां पे आने लग जाएंगी तो डेफिनेटली ज्यादा क्राउड आने लग जाएगा। ज्यादा क्राउड आएगा तो आप देखते हैं बहुत बार एयरपोर्ट्स के अंदर शॉप्स होती हैं, बहुत ज्यादा खुलने लग जाएंगी, बहुत सारी चीजें, पार्किंग में लोग आएंगे छोड़ेंगे तो उसका भी रेवेन्यू एक तरीके से आएगा। तो हम यहाँ पे उन्हीं एसेट्स को टारगेट करेंगे क्योंकि लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इस चीज के अंदर, स्पेशली क्योंकि ये नया भी है तो लोगों का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए। कल अगर इसके बारे में कोई न्यूज मार्केट में आ जाती है कि देखिए करोड़ों रुपए का स्कैम हो गया, तो अभी तो वैसे ही नया कंसेप्ट था और ये न्यूज आ गई तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्या इसके अंदर? द आंसर इज नो। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की मांग करी जाती है जो रेवेन्यू बेस पे ऑलरेडी चल रहे हैं, मतलब आज आप पैसे लगाएं कल आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ रिटर्न, तो वहां पे ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये कि 90% जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो भी पैसा आएगा एक तरीके से वो मेजॉरिटी 80% उन्हीं सेक्टर्स में लगाया जाएगा जो रेवेन्यू बेस्ड हैं या एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ओनली द रेस्ट, तो 80% आपने वहां लगा दिया वो भी मिनिमम कहा है, तो बाकी जो बचता है अगर 100 है और मिनिमम 80 वहां पे लगा दिया तो जो बाकी बचता है 20% वो ही आप अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स में लगाएंगे। सवाल उठता है दिमाग में जो नेक्स्ट टॉपिक भी है कि लॉस कौन कौन से, मान लीजिए ये ठीक है कि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकलिटी में हमसे कोई पूछता है, हमें बताना पड़ता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अगर इसको हमें लाना है तो किन किन चीजों के बारे में या किन लॉस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इट सेज कुछ यहाँ पे जो गाइडलाइंस सेबी ने इशू करी, एक तो उनके बारे में पता होना चाहिए, प्लस ट्रस्ट बनाया जाएगा तो ट्रस्ट का जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आई सपोज 1908 है, फेमा क्योंकि बाहर से पैसा आ सकता है, टैक्सेबिलिटी बनेगी तो इनकम टैक्स एक्ट के रेगुलेशंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व रहेंगे इस पूरे इशू को फ्लोट करने के दौरान आपकी हेल्प करेंगे, वो नॉर्मली जो हर जगह ही होते हैं किसी भी तरीके से अगर आप लिस्टिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स होंगे ये भी लिस्टेड होंगे, जैसे कि REIT के थे तो यहाँ पे भी हमें मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, प्लस रजिस्ट्रार, पब्लिक इशू, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से हमें अपना जो इशू है वो रेट कराना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे वर्क करती है और बहुत बार हम ये देखते हैं कि उनकी रेटिंग्स भी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज सबका अपना अपना एक आउटलुक है और उस बेसिस पे रेटिंग दी जाएंगी। तो जो भी रेटिंग है वो भी अपने जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, सो कॉल्ड एज ऑफर डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे प्लेस करना होगा, क्योंकि इस रेटिंग के जरिए ही सामने वाला जो सो कॉल्ड एज इन्वेस्टर है या यूं कह दीजिए जो बेनिफिशियरी है जिसको रिटर्न मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट के बाद, वो ये समझ पाएगा कि जो जो रेटिंग्स हैं उस तौर पे डिसाइड कर पाएगा कि कितना सेफ रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। और एडवर्टीजमेंट एजेंसी की ज़रूरत लगेगी बिकॉज यहाँ पे हम इसके बारे में लोगों को एडवर्टाइज करेंगे इवन प्री एंड देन पोस्ट, क्योंकि ये भी जानते हैं REIT में बात करी थी कि इशू अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता जो यूनिवर्सल है तो ये फेल माना जाएगा, या यूँ कह दीजिए कि एक रिक्वेस्टिव अमाउंट जो है वो गैदर नहीं कर पाता तो ये फेल है। और हमने जहाँ तक मुझे लगता है REIT के तौर पे हमने 200 की बात करी थी, बट यहाँ पे 200 नहीं है, एटलीस्ट 20 लोग हमें चाहिए होंगे जो इसको सब्सक्राइब करें। REIT में अगर 200 हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 20 हैं, अगर आप पूछेंगे सर इतना फर्क क्यों है, रीज़न क्या है, तो रीज़न है इन्वेस्टमेंट। REIT की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इन्वेस्टमेंट इनिशियल है वो डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम लोगों से भी जो है काम चल जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी का कंसेप्ट भी है। एक डायग्राम के तौर पे जो काफ़ी मिलता जुलता है जो हमने REIT के तौर पे बात करी थी उससे एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, बाकी डिटेल्स हर पार्टी का की डेफिनेशन के तौर पे उनका क्या मतलब है ये तो हम जब जाएंगे नीचे तो समझेंगे, बट अभी एक जनरल तौर पे मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है।
वो लोग हैं जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, जिनको आपने ऑथर भी कह दिया, जो एक तरीके से इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, यूं कह दीजिए जो पूरा आइडिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, इसके ऊपर बात करेंगे। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वैसे तो बच्चे आप लोग जानते होंगे कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी आपने सब पढ़ा है मार्केट इंटरमीडियरीज के बारे में, बट मैंने फिर भी नीचे यहाँ पे दो लाइनों में लिखने की कोशिश करी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं क्या। तो उनको हमने यहाँ पे कह दिया कि वो दी एलिफेंट्स हैं, क्योंकि जिस तौर पे, जिस क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं, जनरली वो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, यानी काफी हैवी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसको आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह देते हैं। मिलजुल के ये एप्लीकेशन की फाइलिंग वगैरह करेंगे INVIT के, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल हो जाएंगे, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इन पार्टीज को भी हम नॉमिनेट करते हैं, किसी को ट्रस्टी तो किसी को इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये क्या रोल प्ले करते हैं घबराइए मत, नीचे पूरी बात लिखी हुई है, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, तो इसमें आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये तो बड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं सर, आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं, अभी 2 मिनट रुक जाइए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की 2 पार्टीज हो गई, एक हो गया ट्रस्टी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ट्रस्टी के बिहाफ पे यहाँ पे लिखा है टू होल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट। याद है ऊपर हमने एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर ये भी बात करी थी कि जो ट्रस्टी है वो डेफिनेटली वो इंसान होगा जिसके पास ओनरशिप रहेगी। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया था, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ट्रस्टी, उनके नाम पे डेफिनेटली ये ओनरशिप रहेगी। और इन्वेस्टमेंट मैनेजर वो होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो पैसा रेज किया गया है, सो कॉल्ड एज जो ऊपर हम कर रहे थे बात, कि 80% जो है ये उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं या रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो ये डिसाइड करेंगे कौन सी ऐसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे SPV है, जितने एसेट्स आप खरीदेंगे उसके बेसिस पे SPV बनती जाएगी। हर एसेट्स के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा जो ये मेक श्योर करेगा, जैसे इस एसेट्स के लिए एक होगा, इसके लिए एक होगा, इसके लिए एक होगा, जो ये मेक श्योर करेगा कि जो प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, जो उसका डे टू डे मैनेजमेंट है, लाइक एज इन की किस तरीके से चल रहा है वहाँ पे, क्या ग्रोथ हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, तो उन सब चीजों को डे टू डे एक प्रोजेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन रखना प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होगा। तो समझ में आया, जो स्पॉन्सर्स हैं वो ऑथर्स हैं जिन्होंने आइडिया लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करे, ट्रस्टी वो है जहाँ पे या यूं कह दीजिए जिनके नाम पे ये एसेट रहेंगे, और फॉर श्योर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, कौन सी जगह, कौन से एसेट में करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज हो जाती है तो उसको देखने के लिए, उसको डे टू डे देखने के लिए, जिसको आप फाइनलाइज करेंगे, जिस एंटिटी या इंसान को फाइनलाइज करेंगे, उसकी डेजिग्नेशन होगी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये यहाँ पे बात करी गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पे आर बताई दिया कि बिग गाइज ऑन द ब्लॉक, द एलिफेंट्स, द और ये पेंशन फंड्स, मनी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये सब हो सकते हैं। स्पॉन्सर्स कौन होगा, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बीइंग अ ट्रस्ट, द स्पॉन्सर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज द ऑथर, जो मैं कुछ देर पहले आपसे कह भी रहा हूँ, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इनिशियल पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट, अ स्पॉन्सर मे बी द कंपनी, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। तो इतना समझ लीजिए, अगर इनिशियल मुझे अपने वर्ड्स में नॉर्मली मैं समझाता हूँ बहुत बार या ईजी लैंग्वेज में, तो जो आइडिया लेके आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है यहीं से स्टार्टिंग होती है उसकी बनने की, उसी को आप नाम से देखिए ना स्पॉन्सर। बहुत बार आप टीवी में ऐड नहीं सुनते क्या कि आप प्रोग्राम आते हैं बहुत बार तो कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड बाय फलाना फलाना, तो स्पॉन्सर्ड कौन होता है, स्पॉन्सर्ड वो नहीं होता जो उस प्रोग्राम में होता है, स्पॉन्सर्ड वो होता है जिसने पैसा लगाया है मेजोरिटी शायद, तो इसीलिए वो प्रोग्राम चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो एक तरीके से ये कंसेप्ट लेके आया या यूं कह दीजिए जिसने आपको बढ़ावा दिया, एक एक डायरेक्शन दिया, वो आपका स्पॉन्सर हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बन रहा है तो स्पॉन्सर का ही एक तरीके से दूसरा नाम ऑथर हो गया, क्योंकि जब ट्रस्ट बनता है तो ऑथर जो होता है वो एक तरीके से प्रॉपर्टीज जो होती है उनको ट्रस्टी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, और ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है कि जो ट्रस्टी है वो ये मेक श्योर करेगा कि इस सारी के सारी प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट फायदा जो है वो बेनिफिशरीज को। सो स्पॉन्सर इज नथिंग बट द पर्सन हु एक्चुअली स्टार्ट द कंसेप्ट, और इन अदर वर्ड्स कॉल्ड एज द ऑथर, अगर ट्रस्ट के तौर पे आप उसे देखते हैं।
सेबी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करी है, उसने लिखा है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोटिफाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑन 26 सितंबर थereby paving the way of introduction for internationally acclaimed infrastructure structures in India. The finance minister has also made necessary amendments to the Indian taxation to provide tax pass through status, which is one of the key requirement of feasibility. देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको लेके लोगों के माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन है या यूँ कह दीजिए लोग कंफर्टेबल नहीं है, द बेस्ट अप्रोच है कि आप उसको थोड़ा इजी रख के चले। जैसे कि यहाँ पे भी है कि आपने खुद ही देखा, मैंने आपको बताया पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी इस सेम चीज़ के अंदर वो 10 लाख रुपये की बताई जा रही थी, और जब शायद सेबी की तरफ से ऑब्जर्व किया गया कि भाई नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं फिर भी लोग इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे, तो उन्होंने सीधा 10 लाख की जगह 1 लाख एक तरीके से अमाउंट कर दिया जस्ट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। तो यही है यहाँ पे कि फीसिबल बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक और स्टेप लिया जाए कि इनकम टैक्स जो है उस तौर पर भी अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाएँ, जैसे कि इन लोगों पे जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू उन पे टैक्स की ऑब्लिगेशन कम से कम आए। तो आपने इनकम टैक्स ऊपर बात भी करी थी कि इनकम टैक्स के प्रोविजन भी इस जगह एप्लीकेबल होंगे, तो उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया। ये एक यहाँ पे मैंने समरी दे रखी है और इसी वीडियो में इसके बारे में बात भी करी थी कि कौन से एग्जिस्टिंग है और कौन से ऐसे हैं जो नए आने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर। रिलायंस की तो देखिए बात मत करिए, कई बंदे ऐसे भी हैं जो मैंने सुना है कहते हैं कि पहले जो इंडिया था वो अंग्रेजों का गुलाम था और एक दिन वो दूर नहीं है कि इंडिया रिलायंस का एक तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिलायंस आई डोंट नो रियली पर बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी है। अभी तो मैंने ये भी सुना था कि जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो रिलायंस आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट बट शायद $5 बिलियन की रिलायंस इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये ऑनलाइन ई पोर्टल्स में। तो उसके बाद कैसे सर्वाइवल हो पाएगा जो इंडिजीनियस ये लोग हैं, ये अपने आप में एक चैलेंज है। सो लेट्स मूव अहेड विद द डेफिनेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। सो अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जो डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी की सारी सेबी की गाइडलाइंस के बेसिस पे बनाई गई है। लिखा है कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय ट्रांसफर टू द INVIT सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। नाम ही है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब जो भी याद है REIT में भी बात हमने करी थी कि NOC या जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उससे कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए तभी कंप्लीट माना जाएगा। देखिए हो सकता है कि एक जनरल तौर पे मैंने फ्लाईओवर बना दिया हो, इंजीनियर्स हैं या जो भी लोग हैं उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया, बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट की कंपनी ने बना के फ्लाईओवर रेडी कर दिया। जिस कंपनी को एक टेंडर मिलते हैं ना ऐसे, तो एयरपोर्ट का था या फ्लाईओवर का था, बना के रेडी कर दिया, सब कुछ ऑपरेशनल है। बट क्या है कि जब तक गवर्नमेंट की जो टीम है जो इस एरिया को देख रही है वो आके एक कागज़ पे साइन होगा, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो एक साइन करके ये नहीं दे देगा कि ये ठीक है ये ऑपरेशनल है। पहले उसने कोई चीज़ देखी है नहीं देखी वो बात की बात है, बट उसके साइन की वैल्यू है, वो नहीं कर देगा आके साइन। तो भले आप जितनी भी तैयारियां करते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस साइन को करने के बाद ही वो जो सर्टिफिकेट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज एन कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, या यूं कह दीजिए कि एक जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल माना जाएगा उस सिग्नेचर्स के बाद। तो यहाँ पे जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उन्होंने यही कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है जो इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उसके अंदर कोई भी पैसा लगाए वो कंप्लीटेड तब माने जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर ये हुआ हो, जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज रिसीव ऑल अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशन फॉर कमेंसिंग ऑपरेशन, तो जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी कंप्लाई हो चुकी है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज बीन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, मैं इजी कर दूंगा लिख दूंगा एटलीस्ट 1 साल। तो दो कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे बात करी है और दोनों में जो चीज है वो एक जैसी ही है, जो एक तरीके से इन्वेस्टर का पैसा और सेफ बनाने की कोशिश कर रही है। पहली चीज ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको सारे के सारे सर्टिफिकेशन एज डिजायर्ड, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे अप्रूवल्स जो थे वो मिल चुके हैं, और इस प्रोजेक्ट को ओपन हुए हुए रेवेन्यू जनरेट करते हुए, अब रेवेन्यू कितना है ये बात नहीं हो रही है बट पैसा कमाते हुए इस प्रोजेक्ट को कम से कम 1 साल हो चुका है। तो ये भी देखिए प्रिकॉशन, देखिए आपने कितनी ज्यादा ली यहाँ पे,
पहली बात तो ये नहीं कह दिया कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड है, पूरा चल रहा है सारा, उस पर खुल भी चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, पैसे भी आने स्टार्ट हो गए, रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया, रेवेन्यू जनरेट होते हुए एक साल भी हो चुका है। तो ये इसलिए शायद रखा गया एक, मतलब यहाँ लिखा नहीं है बट मतलब बेसिक लुक्स ऑफ इट, कि आप ये देख पाएंगे कि भाई एक साल में इतना जनरेट हुआ है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर्स। क्योंकि ये ठीक है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, तो वो शायद तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बहुत बार एजम्पशंस लेते हैं, इकोनॉमी को जज करते हैं एजम्पशंस लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जो एजम्पशंस हमने लिए हैं वो सही हो जाती है, बट उससे कहीं ना कहीं आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है ये तो क्लियर हो जाता है। तो एक साल में जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या यहाँ पे और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि जो लोग होंगे ना जिसको आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कह दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कह दिया, ये ऐसे नहीं होंगे कि कोई भी है, ये वो लोग होंगे जिनको इन रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली उसका यूज करेंगे। कंसेशनल अग्रीमेंट क्या है, देखिए लिखा है, पहले एक बार पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। मींस द अग्रीमेंट एंटर इनटू विद द पर्सन फॉर विद अ कंसेशनल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट एज प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट। बहुत बार ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतनी ईजी नहीं होती, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन चाहिए ही होती है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपने SEZ का नाम सुना है क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, क्या होते हैं ये SEZ? हम बहुत कोई डिटेल में नहीं जा रहे बट क्या होते हैं, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो मेरे हिसाब से आप ये कह सकते हैं शायद, और मे भी यही आपका जवाब भी होगा कि मान लीजिए जैसे कोई एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, अभी क्या है कि जहाँ लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री, क्योंकि कोई एक ऐसा एरिया होता है शहर का, एक दो तीन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं इससे ज्यादा भी जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे आप भी जाके सेटअप कर रहे हैं तो आप कुछ खास नहीं कर रहे, भले अपने लिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप वहीं पे जा रहे हैं तो फॉर श्योर ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब ये है कि जो लेबर होगी, जो बाकी चीजें होगी वो इजिली अवेलेबल हो जाएगी, यही तो हुआ। पर अगर जहां पे सारी इंडस्ट्री है वहां से मैं 50 किलोमीटर दूर जाके जहाँ कुछ नहीं है, जंगल है एकदम, कुछ नहीं है, मतलब सड़कें हैं और कुछ नहीं है, ना लाइट है ना पानी है, कुछ नहीं है वहां पे, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां जाके अगर मैं अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता हूँ तो क्या मुझे गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देगी? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यही होते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट ने एक एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया, जहां पे उन्हें पता है कि भाई अगर हम गवर्नमेंट की स्पीड से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और किसी का नाम भी नहीं ले रहा, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबल, एक घर में हम बैठे होते हैं तो हम कह देते हैं, चार लोग का जनरली न्यूक्लियर फैमिली आजकल रहती है, ज्वाइंट फैमिली भी होती है, बहुत बार कहते हैं कि गवर्नमेंट का फलाना बंदा जो है ठीक है, वो हो सकता है काम ना भी सही कर रहा, बट बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, चार लोग की फैमिली होती है, बहुत दिन ऐसे आते हैं एक महीने के अंदर, शायद एक हफ्ते के अंदर, या एक दिन में बहुत सारे घंटे ऐसे आते हैं जहाँ पे चार लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई किसी की बात से नाराज हो जाता है तो कोई किसी की बात से, जबकि ये चार लोग हैं सालों साल से एक साथ रह रहे हैं तब भी अंडरस्टैंडिंग आज तक शायद उतनी अच्छी डेवलप नहीं कर पाए। तो एक देश जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, वो भी अलग अलग तरीके के रहते हैं, लैंग्वेज अलग बोलते हैं, साइकोलॉजी अलग रखते हैं, उनको खुद कैसे खुश रख पाना, मतलब ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है शायद। तो गवर्नमेंट अपनी स्पीड से काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि फलाने फलाना एरिया में, मैं ऐसे लिख के बता दूं कि फलाना फलाना एरिया जो है, इस एरिया में अभी हमें डेवलपमेंट करने के लिए 10 साल का समय तो लगेगा, क्योंकि इससे पहले के जो एरियाज है, मान लीजिए यहाँ पे इस समय हम देखिए स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इस समय हम लोग हैं, तो धीरे 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 करते जाएंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस एरिया तक पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे। पर हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि सर हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ये कह दे चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो ना तो हम तुम्हें कंसेशन देंगे। कंसेशन क्या देंगे, जो भी टैक्स वगैरह लगता है उसमें आपको सब्सिडी देंगे। नॉर्मली जो टैक्स का रेट है कुछ भी है, तो नॉर्मली अगर टैक्स का रेट 30% है तो ठीक है चलो आप जो है वो टैक्स सिर्फ 10% देना, या यूं कह दीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरली जो भी पर यूनिट प्राइस है आपके लिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी माफ है अगले 10 साल, क्योंकि हम यहाँ 10 साल में आने वाले थे ना, तो गवर्नमेंट ने कह दिया चलो आज से जब से आप इंडस्ट्री बना के शुरू करोगे अपना कारोबार, 5 साल तक आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई पैसा मत देना, तो उसको आपने क्या कह दिया, कंसेशनल कह दिया। इसके अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी ये जानती है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करने में इतना समय लगेगा और डेवलपमेंट समय की नीड बन चुकी है। फिर ये मत भूलिए जहां इंडस्ट्री होगी, जहां पे भी इंडस्ट्री होगी, सड़कें वगैरह मैंने बताया ना कुछ नहीं है, सिर्फ सड़कें, तो क्या लाइट चाहिए, पानी चाहिए,
और सौ फैसिलिटीज चाहिए, घर वगैरह भी चाहिए, तो कितने सारे लोगों को काम मिलेगा ये भी तो आप सोचिए। जो ओनर है वो थोड़े ये सारे काम करेगा, ऑब्वियसली किसी को देगा ना करने के लिए, तो कितने सारे लोगों को इससे काम मिलेगा। और फिर कहीं ना कहीं जो पूरी स्टेट है उसका एक पोर्शन जो कितने साल के बाद डेवेलपमेंट शायद होता, 10 साल की बात करी जा रही है, क्या पता 15 लग जाते, वो आज होने को तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो इसी इस तरीके के अग्रीमेंट को आप स्पेशल अग्रीमेंट कहते हैं या कंसेशनल अग्रीमेंट कहते हैं, और इसी को ब्रॉडर परस्पेक्टिव में काइंड ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मींस एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट व्हिच प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय और ट्रांसफर टू द आईएनबीटी सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फॉर पीपीपी, पीपीपी क्या हो गया, पे जो है वो 3 टाइम्स है, व्हिच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये कंडीशन है क्या, द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट। तो पीपीपी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जो पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, अगर आपको वो यहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि वो प्रोजेक्ट जहाँ पे पैसे लगाने की बात करी जा रही है वो पूरा होना चाहिए और उससे रेवेन्यू आना चाहिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच हैज अचीव कमर्शियल ऑपरेशन डेट एंड डज नॉट हैव द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो क्या लिखा है, प्रोजेक्ट हैज अचीव कमर्शियल ऑपरेशन, यानी उसके ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एक वो है जो डॉक्टर करता है वो ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब एग्जीक्यूशन। तो उन्होंने कह दिया जो प्रोजेक्ट है जहां पे पैसे लगाने की सोच रखी जा रही है पीपीपी मोड के अंदर जो आता है, पीपीपी मोड का मतलब ये है कि कुछ पैसा यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ने लगाया है, बड़े बड़े रिलायंस टाटा फलाना, और कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, सो दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है, सही समझ में आ रहा है। तो वो जो पैसा आपने लगाया जिस प्रोजेक्ट में वो बन के स्टार्ट हो गया है, चलने लग गया है, यानी उससे पैसा रेवेन्यू जो भी कह दीजिए वो आना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो भी आप प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, कमर्शियल ऑपरेशन मतलब रेडी है, इन द सेंस अगर आप चाहें तो उसको आज से यूज कर सकते हैं और उससे पैसे जनरेशन लगा सकते हैं, उम्मीद की जनरेट होगा। तो ये लिखा है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच हैज अचीव कमर्शियल ऑपरेशन एंड डज नॉट हैव द ट्रैक रिकॉर्ड, याद है ऊपर हमने बात करी थी कि वहीं हम इन्वेस्ट करेंगे जहां पे एटलीस्ट 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा। बट अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अब आप बैंक में पैसा रखते हैं, ऑल्दो उसको लेके भी काफी बात पीछे हुई थी, बैंक में पैसा रखते हैं तो लोग बहुत बार स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते, बहुत बार आप अपने देखिएगा, आप खुद ही जानते हैं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा आप किसी से पूछे, आप खुद जानते हैं, लो रिस्क मीडियम एंड हाई रिस्क अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर हैं, शायद इसके बीच में भी कहीं आते होंगे, बट प्राइमरली ये 3 है जिनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, लो रिस्क पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि जितना रिस्क है उतना रिटर्न है, ये तो हम सभी जानते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो क्या करेंगे, आप देखेंगे जनरली वो बैंक में पैसा लगाएंगे, वो बैंक की FD करा लेंगे या सेविंग में रखेंगे, इस तरीके से जो थोड़ा सा अबव निकल जाते हैं, क्योंकि एक एज है। अभी क्या है कि अगर आपकी एज जो है, जो इन्वेस्टर की एज है वो 50 55 60 साल की है, तो वो शायद उतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि मे बी एज पर लाइफ साइकिल जो है वो अब उतनी अर्निंग कैपेसिटी में भी शायद नहीं रखता जितना वो यूथ के समय रखता था। तो वो क्या करेगा, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पे ग्रोथ कम मिले बट पैसे प्रोटेक्टेड रहे। बट वाइल यू आर यंग, जब आप 30 के आसपास के हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ इयर्स टू कम, मे बी टू वर्क एंड देन टू ग्रो, इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, शायद आप सोच सकते हैं ठीक है यार, अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया आई कैन सस्टेन, तो आप क्या करेंगे, जल्दी पैसा कैसे बढ़े ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करेंगे। तो यही यहाँ पे भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए हम वो वाली गारंटी की डिमांड नहीं कर रहे कि 1 साल तक हमें पता होना चाहिए कि कितना पैसा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जो अच्छा होगा, तभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। देखिए ये एक साइकोलॉजी है, मैं बैंक का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा था क्योंकि लोग बैंक में पैसा इसलिए कहते हैं, मतलब डालते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक है तो फॉर श्योर वो कहते हैं कि ठीक है जो भी कुछ होगा गवर्नमेंट इसके लिए लायबल हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको पैसा देगी जो आपका है। और तो अभी एक रूल निकला है जहां पे ये कहा जाता है, आपको ये पता होगा कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं एज एन एग्जाम्पल, या 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जो भी कुछ है, ज्यादा से ज्यादा ही रहे आपका अकाउंट भरा रहे मैं तो कहता हूँ, तो जो भी कुछ है, और अगर बैंक जो है वो लिक्विडेशन में चला जाता है, तो वो कहते हैं कि जो बैंक है वो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए ही देगा। पता है आपको क्या इस बारे में, ये रूल है, जाके चेक करना, जब भी ये लेक्चर देख रहे हो जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा, ऐसा रूल है। तो अभी बैंक्स वगैरह भी सेफ नहीं है, बट उस तौर पे खैर यहाँ पे लिख दिया गया कि पीपीपी मोड है, तो हम 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते, गवर्नमेंट ने हमारे प्राइवेट प्लेयर के साथ इन्वेस्ट किया इतना ही सफिशियंट है, इसी गुडविल पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अ प्री सीओडी। सीओडी का मतलब है कमर्शियल ऑपरेशन डेट। सिर्फ इतना लिखा था सीओडी तो मैंने रिसर्च करके आपके सामने लिख दिया कमर्शियल ऑपरेशन डेट। तो लिखा है इज अ प्री सीओडी यानी कमर्शियल ऑपरेशन डेट इसकी नहीं आई है। लिखा है सीओडी इज अ डेट दैट द सिस्टम बिकम्स ऑपरेशन एंड कैन बिगिन सेलिंग पावर। In non-PPP project, the infrastructure project has received all requested approval and certification for commencing construction of projects. तो आप देख लीजिए कि कितना फर्क आ गया। जहां पे गवर्नमेंट हमारे साथ थी वहां पे हमने इस बात की भी परवाह नहीं करी कि सर्टिफिकेशन सारे मिले हैं या नहीं मिले। हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टनरशिप के तौर पे बनाए गए हैं, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल है, तो चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन है, तो चाहे वो पावर्स को ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफार्मर्स हैं, जो और कुछ है, हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। बट जहां पे गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि वो रहेगा नॉन पीपीपी। नॉन पीपीपी मतलब जहां पे सरकारी जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है वो आपके साथ नहीं है, तो आपने कह दिया इन दैट केस तो सारे रिक्वेस्ट ऑफ अप्रूवल्स चाहिए ही चाहिए होंगे। जब तक रिक्वेस्ट ऑफ अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। याद रखिए ना, पैसा आपका नहीं है, मतलब ट्रस्टी जो बने बैठे हैं या जो स्पॉन्सर बने बैठे हैं, ठीक है कि वो आगे इस चीज को लेके जाएंगे, बट इनिशियली तो पैसा लगाने के बाद बाकी पैसा जो है वो तो यूनिट होल्डर से लिया जाएगा। और ये ऑलरेडी इतना कंसेप्ट नया है, इसके अंदर स्कैम हो गया, तो चलने से पहले आगे बढ़ने से पहले यही खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखें इसी के नीचे तो लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि राइट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको एक लिंक ऊपर हाइपर लिंक दिखाया था ई नोटिफिकेशन के तौर पे, ई गैजेट के तौर पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर जैसे आप इसको टैप इन करेंगे यू विल एक्चुअली बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज, तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर आप उसको खोल के देखेंगे सो यू विल रियलाइज कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हो सकती है वो वहाँ पे लिस्ट दे रखी है। बट इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करने के लिए एयरपोर्ट्स, जैसे हमने बात करी रोड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर्स लाइंस एंड ऑल दैट, वो इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके एसेट्स का मतलब है ओन्ड बाय द ट्रस्ट वेदर डायरेक्टली और थ्रू होल्डिंग कंपनी और SPV एंड इंक्लूड ऑल राइट एंड इंटरेस्ट बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इंसिडेंटल ओनरशिप टू सच एसेट्स। इसको समझने के लिए और तो बता तो चुका हूँ, बट इसको समझने के लिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि SPV जो है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, वो हर एसेट्स को ओन्ड कर रहा है। तो आपने भी यही कह दिया कि जो होल्डिंग कंपनी है या यूं कह दीजिए जो SPV है वो एक तरीके से एसेट्स की ओनरशिप लेगा। जो फैक्चुअल ओनरशिप रहेगी वो तो ट्रस्टी के नाम पे रहेगी, बट हम एक SPV को बनाना चाहते हैं यहाँ पे, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कंपनी जिसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि वो कंपनी जो बनी है SPV के तौर पे उस एसेट्स का एक तरीके से यूं कह दीजिए कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन या डे टू डे मैनेजमेंट के तौर पे उस पर नजर रखे, और जहाँ कोई भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट लगती है उठती है वो सारी की सारी समय पर कंप्लाई करी जाए। लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज PPP प्रोजेक्ट। इसको मैं अभी पढ़ लेता हूँ, समझा दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे विच विल बी द पार्ट नंबर 2, वहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि बीच में कहीं खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव ये है कि वीडियोस की ड्यूरेशन कम रखी जाए। मेरी हर क्लासेस में मैं यही कोशिश करता हूँ, अंटिल अनलेस अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो नहीं बीच में हम रोक सकते बिकॉज इट हैज अ कनेक्टिंग लिंक, तो मैं डेफिनेटली शायद आगे उसको ले जाऊँ, नहीं तो 45 मिनट से 1 आवर के बीच में मैं रखना चाहता हूँ, जिससे कि जल्दी जल्दी आप एक एक वीडियो देखते जाएं। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, कोई 6 पेपर दे रहा है, तो कोई 9 दे रहा है, तो कोई 3 दे रहा है, जो जिसकी सिचुएशन है, शायद 3 घंटे का स्ट्रेच या 2 घंटे का स्ट्रेच नहीं होता हमेशा कि हम 2 घंटे एक बार लैपटॉप खोल लिया तो 2 ही घंटे हम देख ही लें। और अगर इतनी बड़ी क्लास होगी ना, बीच में ब्रेक करोगे बाद में देखोगे, तो वो कंटिन्यूएशन के लिए फिर पीछे देखना पड़ता है कि सर ने क्या कहा है। तो बेटर है कि स्टूडेंट की मेंटालिटी को ध्यान में रखते जाए ये सब किया जाए, जैसे कि उसको डिस्कम्फर्ट ना हो। तो लिख दिया कि PPP प्रोजेक्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मैं आपसे कह चुका हूँ, बेसिस बिटवीन अ पब्लिक कंसेशनल अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट SPV कंसेशनल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, वही टेंडर वाली बात, ऑन द बेसिस ऑफ MOU विद द रिलेवेंट अथॉरिटी। सो MOU तो बड़ा कॉमन है, सुना भी होगा, ICSI है बहुत बार, अलग अलग IGNOU है जैसे, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं MOU साइन करता रहता है, दैट स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे दोनों का काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशन होता है कि
आईसीएसआई को वो यूनिवर्सिटी या वो बॉडी कुछ दे रही है तो आईसीएसआई उसके मेंबर्स को कुछ ऑफर कर रहा है। तो आपने ये कह दिया पीपीपी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे गवर्नमेंट एक पार्टी होगी और जो दूसरी पार्टी होगी वो चूज करी जाएगी आप जो भी टेंडर लोगों ने भरा है, बिडिंग करी है। क्योंकि टेंडर में आप बिडिंग तो लगाते हैं कि भाई ये काम आप कितने में कर सकते हैं, तो कोई कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कोई कहता है मैं 100 रुपये में कर सकता हूँ, कोई 90 में कहता है, तो कोई 110 में कहता है, इस तरीके से ज्यादा कम होता ही है। तो जो भी एक तरीके से हमें बेस्ट लगता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बेस्ट लगता है, चाहे वो कॉस्ट जो है भले थोड़ी सी ज्यादा है बट सामान जो है रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा है, तो उस तौर पे गवर्नमेंट चूज कर लेती है। और गवर्नमेंट फिर उस पार्ट तो एक पार्टी तो गवर्नमेंट हो गई और जो भी कंपनीज ने टेंडर भरा था उनमें से एक पार्टी को चूज कर लिया जाता है, फिर गवर्नमेंट एंड वो जो सिलेक्टेड पार्टी है जो बिडिंग प्रोसेस में जीत गई है अपने कॉम्पिटिटर से, वो मिलकर एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, उसमें एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, उसी को आप कह देते हैं पीपीपी विच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली अब काम जो है एग्जीक्यूशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब रैप अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी बात जो आज मैंने आपसे यहाँ पे कही आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू, डोंट ट्रबल योर मदर एंड देन फॉर सीएस प्रोफेशनल एफसीए शांतनु भंडारी। थैंक यू।